ये अलग तरीके से मार रहे हैं आज, ये हंस रहा है बेवकूफ। इनको भी खुशखबरी मिलेगी, कोपेक चला गया। ये बंदी है कौन? ये मार दी, आपको इसे मार रही है, लात भी मार रही है। हक है अल्लाह, सच है वल्ला। तो गाइस कल वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ हुआ कल, सारे बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी, इतने खुश मैंने इतने टाइम के बाद सब लोग को देखा, इतने खुश थे सारे, मज़ा आ गया कल देख के। एंड आप सोच रहे होंगे आज का एपिसोड कैसे आ गया, आज तो थर्सडे है, आज तो लाइट नहीं थी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, आज एक ही एपिसोड आएगा बिकॉज आज लाइट थोड़ी लेट आई है। मतलब आप सोच लो भी 5 बज रहे हैं एंड 5 बजे लाइट आई है, तो एक एपिसोड की तो शूटिंग हम कर ही सकते हैं। जैसे हमेशा कभी कभी क्या होता है, 5:30 बजे आती है, कभी कभी 6 बजे आती है, कभी कभी 5 बजे। जब 5 बजे आती है तो फिर हम बैठ जाते हैं बनाने और शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड बाकी तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कुछ नया होने वाला है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। एक खातून आई है, बहुत ही तीखी खातून है भाई, वो मतलब बड़ा मार रही थी कल, फिर उसके बाद लुटेरों को भी फोड़ा उसने भाई। देखते हैं आज क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश बाय डरले सरतरुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 74। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये है हमारा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे ID भी दी हुई है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओ भाई बहुत दिन लगा, भाई डेंजर है, ये बंदी तगड़ी है, अपने कहाँ से आई है। ये कैसे बन के आते हैं भाई? गोरिल्ला गोरिल्ला कमांडोस। भाई इसके बाल तो देख। अर्थरूल सरदार से बात करने का वक्त आ गया है, तुम काफिले को लेकर फौरन हानली बाजार जाओ और तुम दोनों काल कबीले चलोगे मेरे साथ। भेड़ भेड़ तैयार हो जवान। ओस देख कितना तगड़ा लग रहा है, अब्दुल रहमान भाई वही अपना। हाँ सारे हैं भाई। तुरगुत भाई सबसे आगे है ना। गुलाब सरदार आगे। बंसी, अरे बंसी वो तीर से टर्न मार के आना, यू टर्न मार के। तुरगुत भाई और अर्थरूल भाई पास पास।
अर्थरूस भाई जीते। बंसी की आवाज कितनी मोटी हो चुकी है। सही बात है। अर्मेला खातून है, अर्मेला उर्मिला है, अर्मेला है क्या है बताएं जरा। कंप्लेंट लेके आए हैं छोरी। अबे स्कूल समझी हो का? कंप्लेंट कर रही हो, कॉलेज में हो तुम? अभी से आई हो, अभी से कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया इसने निठली। भाई नए नए बंदे आ रहे हैं भाई, है? एक काले कपड़े वाले हैं। ये बाइजेंटिनी होंगे ना, काले कपड़े वाले हैं बाइजेंटिनी या सलेबी होंगे और क्या? फिर से सलेबी तो फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट सीजन में आए थे ना, उसके बाद तो मंगोल आए थे सेकंड सीजन, थर्ड में ए भाई वही है ना। तेरे पे भी सेम टू सेम, सेम टू यू। तगड़ा भाई ये तो। कौन है ये? क्या मसला था कि बाहर के जश्न के दौरान ही मुलाकात करना थी? जश्न? बाजार आने वाले काफले पर लुटेरों ने हमला कर दिया और आप यहाँ जश्न मना रहे हैं अर्जुन सरदार? मनाएंगे हम तो होता रहता है। लुटेरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते खातून।
अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुम सरदार आला अर्तुरुल साहब से मुखातिब हो। अर्तुरुल साहब ने सरजमीन को महफूज बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, वो लुटेरे दोबारा कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वो लुटेरे जो भी हो हमसे नहीं बच पाएंगे। तुम्हारे सामान का अगर नुकसान हुआ है तो पूरा कर दिया जाएगा। माजी में कोई भी लुटेरा इस सरजमीन पर नहीं ठहर पाया और न ही मुस्तकबिल में कभी ठहर पाएगा। इत्मीनान रखो और बाजार वापस जाकर अपनी तिजारत पर ध्यान दो। मुझे उम्मीद है आपका कहा दुरुस्त साबित होगा। हम यहाँ रिस्क की तलाश में आए हैं। अगर आप हमें तहफ्फुज़ देने में नाकाम रहे तो हम अपनी हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इजाजत दीजिए। भाई ये बड़ा है वो, पता नहीं अपने हमको कौन सी महारानी समझती है। कौन ये? ये इधर इरुमिला, ये इरुमिला ज्यादा बोलती है ये। इसने तो हाथ ही कर दी भाई। उसके काफिले पर हमला हुआ था और नुकसान हुआ है उसका, ये बात समझना होगी। समझना तो सही है। लुटेरों की तलाश के लिए किले से सिपाहियों को भेजो भाई, जरूरत नहीं है गुलाल। बंसी, सिपाहियों को तैयार करो। तुर्गुत, गुलाल तैयार हो जाओ। काफिले पर हमला करने की जुर्रत करने वाले लुटेरों से हम खुद निपटने जाएंगे। जो कहे भाई, जैसा आप कहें। क्या भाई, खैर नहीं हुई उन लोग की, क्या होगा बेचारों का। कौन है यार मिलियो? ये कौन है मैं नहीं जानता जनाब। उसका कहना है कि वो मुसाफिर है, यकीनन उसके पास कोई अहम मालूमात है आपके लिए जनाब। किसके बारे में अहम मालूमात है? अर्तुरुल। अर्तुरुल के? और ये चाहता क्या है? अर्तुरुल का सर कोई नया एंट्री हो रही है। सबसे पहले तो उसका नाम याद करना पड़ेगा मेरे को, बहुत मुश्किल होता है यार। ये कोई काले कपड़े वाला है? अबे अब तो शक्ल दिखा दे। अबे शक्ल दिखा देना भाई, काहे इतने काले कपड़े पहने हैं तुमने? इतना सस्पेंस बढ़ा के हमारा ब्लड प्रेशर काहे बढ़ा रहे हो भैया? अर्तुरुल के बारे में क्या बताना चाहते हो तुम? क्या तुम अर्तुरुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो? नोयान की आवाज है ये? नोयान की आवाज? तुम्हें अपने गिरद मौजूद गद्दारों को पहचानना होगा। पहले ये बताओ तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम एक मुसाफिर का नाम दे सकते हो जमींदार? ये नोयान की आवाज है? नोयान की आवाज ले। हाँ। क्या पता ये नोयान ही होगा, उसकी आंख से तो ऐसे ही लग रहा मुझे। बट ये नोयान की आवाज है, इतना तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ। उसकी आवाज कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। फिर से आ गए? ऑब्वियसली बोला था ना सबने आएगा नोयान फोर्थ सीजन में। तो नोयान आएगा भी? अरे वाह भाई कड़क। मतलब इसने ही मारे थे वो बंदे? हाँ इसने मारे थे वो बंदे। अभी लड़ाई हुई थी ना? हाँ तो उसने ही मारे थे ना वो। हाँ वो भी वही था शायद। लिबास से यही जाहिर होता है। ठीक है,
मारे हो चुके हैं। भाई दरिया के किनारे खून के निशानात मिले हैं, जो उस तरफ जाते हैं। आ जाओ जवानों, निशानात का पीछा करते हैं। कोई बंदा बच के भागा होगा यहाँ से पैदल पैदल। ये लाल रंग के सलजुक के फ्लैग क्यों लगाए हुए हैं अभी? अरे ये वही मार खा के भागे हुए बच्चे बच्चे नहीं देख लिया ना भाई, कड़ा करते भाई बहुत तगड़े हैं आप। घात लगा के बैठे हैं घात अर्तुरुल सुलेमान शाह ओगलू अर्तुरुल। अरे बाप रे तीसरा भी गया, ये भी गया बहुत आराम से प्यार से मर गए बस सारे चले गए। हाँ एक तो बच्चा होगा जिससे बात करनी है। हाँ बच्चा है। बताओ कौन इस जमीन पर काफिलों पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमें एक आदमी ने खबर दी थी कि उनके पास बहुत माल है। काफिले का रास्ता उसी ने बताया था। कौन था वो आदमी? मुझे कुछ नहीं मालूम कौन था वो आदमी, बस उसने खबर दी। काफिले पर किया गया हमला मामूली नहीं था। वो आदमी जो भी था इस काफिले पर खास तौर पर हमला करवाना चाहता था। ये मालूमात जिसने भी फराहम की उसे यकीनन चमड़े के दाजरों से मसला है। हमारी सरजमीन पर किसी में ऐसा करने की जरूरत नहीं हो सकती भाई। किसने किया होगा ये? उस खातून और चमड़े के ताजरों की जान कौन लेना चाहता है? कौन इन लुटेरों को यहां का रास्ता दिखा सकता है? कौन है वो? अरे देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो दुनिया से क्या लेकर आई हूँ। ओह अरे पसंद आया तुम्हें बताओ। हदे क्या हुआ क्रीटोस? क्रीटोस अर्तुरुल जिसने अमीर सादुद्दीन का सर कलम किया। हाँ सुना था मैंने ये। अर्तुरुल के जिंदान से खुद को बाहर निकालने के अमीर सादुद्दीन से बात किया था तुमने। क्रीटोस कैसे सोच सकते हो ये तुम? मेरे दोस्ती का गलत फायदा उठाया तुमने। अर्तुरुल से मेरी नफरत का इस्तेमाल किया, मेरे करीब आई और मेरे सारे राज अमीर सादुद्दीन तक पहुंचाती रही। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मारिया? ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसे ही है दर्द हो रहा है। मेरी मोहब्बत और वफादारी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अरे गई 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 अभी गई। ओ तेरी गई सच्ची मर गई। और
बाप रे, अहमद के बारे में बता दिया, वो नोयान था क्या? मतलब कौन है वो भाई, अभी तक पता भी नहीं चला। वैसे तो मुझे लग रहा है नोयान है, देखो तो मुझे 90% श्योर है कि वो नोयान है, क्योंकि उसकी एक आँख है ना जो बड़ी कातिलाना आँख है उसकी, समझ गया, उसकी आवाज़ से समझ गया। ऊपर से नोयान वापस आने वाला है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम, बट जब तक आँखों से नहीं देख लेते तब तक हमें पता नहीं चलेगा भैया। इनकी फेवरेट गार है। उम्मीद है अच्छी खबर लाए होगे अहमद। खुशखबरी लाया हूँ भाई, बहुत अच्छी खबर है। बताओ 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 फिर, क्या जमींदार के लिए दोस्त ने कहा है जैसा के लिए बड़ा हमला करने का इरादा कर लिया? काश वो हिम्मत करता तो उसे वहीं मार देते। बेशक आपका ख्याल दुरुस्त था तुम भाई। सॉरी सुल्तान गयासुद्दीन की तरफ से सलजूक रियासत का निजाम बहाल होते ही निके लश्कर भेजने से पीछे हट गया। मेरा इंतजार तो खत्म हो रहा था भाई। बहुत खुशी थी कि हम दुश्मनों के पीछे जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार और करना है तुर्कुत। जमींदार खामोश नहीं बैठेगा। सही बात है। हमें सोच जाने से रोकने के लिए उसके बस में जो कुछ हुआ वो करेगा। वो आपकी सोच आने का इंतजार नहीं करेगा। उसने मुझे हमले के लिए सिपाही तैयार करने का हुक्म दिया है। जमींदार के लिए दोस्त और उसके सिपाही मुश्किल हदफ नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिलहाल मैंने अमन सुकून को दवाम बख्शने और लोगों की खुशहाली के लिए हिजरत के इरादे को मुलतवी कर दिया है। जमींदार के हमले की सूरत में खून खराबा हो सकता है, तिजारत का भी बहुत नुकसान हो सकता है भाई। सिर्फ यही नहीं अर्तुल भाई, मेरे दोस्त के इंतकाम की हवस की वजह से मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों अपने जरिए मार्च से हाथ धो बैठे गए। मुझे डर है कि आपका कायम किया गया निजाम तबाह ना हो जाए भाई। कलियों पर हमला करने की जरा बराबर भी जरूरत नहीं होगी उनमें। अगर आप हुक्म करें भाई तो मैं बाहर के इलाकों की भी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, और इस तरह लोगों को परेशान किए बगैर हम गिरी तो उसके इरादे खाक में मिला देंगे। बहुत अच्छा सोचा है कुनाल, यह जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द है। किले की हिफाजत के लिए तैयार रखना मुहाफिजों को, उनकी मदद के लिए हम भी सिपाही भेज सकते हैं। हिफाजत के पेश नजर मगरिब के वक्त किले के दरवाजे बंद कर देना कुनाल, जैसा आपका हुक्म भाई। जमींदार के खिलाफ मारिया को इस्तेमाल करेंगे, ये हिकमत अमली मौसर रहेगी अहमद। जमींदार को इस तरह मारना मारिया के इंतकाम की आग को भी बुझा देगा। जी बिल्कुल ठीक है अर्तुल भाई, यकीन रखें बादशाह किसी भी सूरत में लश्कर नहीं भेजने वाला, क्योंकि बादशाह की तरफ से अमन बरकरार रखने की एक वजह और भी है। कैसी वजह? मंगोल। ओ खुदाई, सलजूक के जनूबी इलाकों पर नजर जमाए बैठा है दरियाए फरात और तिग्रिस की जरखेज जमीन हथियाने के लिए। नीकिया से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक मोहताई अपने लश्कर के साथ अनातोलिया पर हमले की तैयारी कर चुका है, और हमले की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद कमानदार को दी है। सुल्तान ने अगर एक भी कमजोरी दिखाई तो वो उसका फायदा उठाएगा, और वो अनातोलिया में खून की नदियां बहा देगा, और जो भी उसके सामने आएगा उसे कुचल के रख देगा। कुसुम दुनिया पहुंचने तक वो रुकने वाला नहीं है। उदाई खान ने हमले की जिम्मेदारी किसको तफवीज की है अहमद? मेरी मालूमात के मुताबिक उसका नाम नोयान है। ओ भाई नोयान, नोयान इज बैक, नोयान इज बैक। मेरे को सच ये नया टकली भाई
भाई रुको 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 छोड़ दो बस कुछ मत बोलो भाई 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 I miss this a lot भाई इतनी खुशी कभी नहीं हुई मेरे को कसम से बोल रहा हूँ भाई इन्होंने कुछ अलग साइंस सीख के आए ये लोग दो दो है बोलो बिल्ली पापा बिल्ली बहुत डेंजर है देखा उसने क्या आ रहा है बुलबुले भाई मंगोल आ गए मजा आ गया भाई कसम से मजा आ गया नयन किधर है भाई पहले तो एक उलू बिल्जी था अभी दस दस लेके आ गया तीन तीन है सब बजा रहे हैं भाई चरस सुंघा रहा है नशे चल रहे हैं इधर मंगोलों में मैं भी बन जाने इसके भाई वो लड़की भी इधर है वो उर्मिला इसकी थी वो उनके गैंग की थी मतलब ये भी मंगोली है मंगोली ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई लोग ये देखो क्या सूंघ रहे वो सूप बनाया है ना खून सूप खून वाला सूप तभी लोग बोल रहे थे ये वाला एपिसोड एनसीबी के हवाले करो इनको नार्कोस ब्यूरो पता नहीं क्या होता है वो इसने टकला नहीं किया इधर से पहले तो टकली नहीं अरे पहले टोपी पहनी थी इसने अपन देखा है ना इसका टकला अरे मुझे लग रहा है वो नोयान के साथ कौन सा बंदा था वो टकला जी। एक और तांगुत की बहन लग रही मेरे को ये देख तांगुत के जैसे साइड में थोड़े तांगुत अरे जमीन में खड़ा हुआ है देखना नोयान पिछली बार जैसे सीजन 2 में भी ऐसे उठा था लेटा हुआ था कुछ उसकी मुकद्दस रूहें हैं ना जो उसको बचाती हैं जमीन के अंदर ये देखो अरे बाप रे रुक 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 देखने वाले कैसे उठेगा भाई चेहरा देखने वाले हाँ चेहरा नहीं दिखा यार नयान भाई आई मिस यू ओ भाई अरे व्हाट मेव को मुंह में खा के मिट्टी में पानी मेव को ये देख कैसी हंस रही अबे निठल्ले मैं जिंदा है हमको पता है हमको समझ गया हमको जिंदा है भाई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ये जो तुम्हारे शौक है ना बहुत गंदे शौक है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ नोयान सुधर जाओ खून और राख से जिंदा हुए हो अच्छा ओके अलंकोया भाई इसकी बहन ये तो तांगुत की बहन लग रही इसकी तो कहीं से बहन नहीं लग रही इसकी मैंने तुम्हें इस दिन के लिए तैयार किया था अलंकोया ही है गले लग जाओ मेरी बहादुर बहन इसकी बहन है ये साइड से सब निकाला हुआ है बाला वाला सब निकला हुआ है भाई बताओ मुझे क्या किया तुमने वही जो मुझे हमको दिया था आपने और तुम को देखा तुमने हाँ देखा मैंने क्या देखा अर्थुल की ईमानदारी से और उसके किरदार से बाजार में अपनी जगह बना ली है मैंने एतमाद भी जीत लिया उसका और ताक में जाकर उसकी वालिदा और खातून से मुलाकात भी की मेरी बहादुर बहन आप वही महत्वपूर्ण
माशाल्लाह। तुम जैसी बाप और बहन का साथ मिलने पर मुकद्दस रूह का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इसकी मुकद्दस रूह है। भाई कसम से बट मजा आएगा भी कसम से। कोपो की पूरी वो हो रही थी महसूस मुझे, तब नहीं होगी। नोयान इज द बेस्ट। अर्तुल ने मेरे ना जाने कितने जंगजू मार दिए हैं, मेरे लिए कुर्बान हो गए वो सब। मुकद्दस हमें उन्हें अर्ली खान के गजब से महफूज रखे। किसके खान से? भाई मुझे पहले मुकद्दस रूहों का पता बता तेरे, कौन है ये, कहाँ से आती है ये मुकद्दस रूहें, होता क्या चीज़ है वो बताओ पहले। ये तुम क्या कह रहे हो अहमद भाई, नोयान कहाँ से आ सकता है? वो तो भाई, वो तो हमारे सामने उसी वक्त मर चुका था भाई। उस शैतान को आप जानते हैं भाई, जानता हूं अहमद, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। नोयान के जहन्नम में खुशामदी दफ्तर एक्टर भाई जवान थे तब। थोड़ा सा ही मारा था, एक ही चीरा मारा था, और फिर उसके बाद दो और चीरे मारे थे बस शायद से। गला तो नहीं काटा था इसका। ये वाला चीरा था एक और बस, और नहीं मारा। इतने तो चीरे मारे। अरे बट गले पे नहीं लगा ना, पेट पे लगा है। फिर उस गुरतकिन भाई के चक्कर में भूल गए थे इसको। हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिलिस एर्थरूल सीजन 4 एपिसोड नंबर 74। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये। माशाल्लाह नोयान आ गया भाई साहब, अभी आएगा मजा। मंगोल फिर से हम उनकी हरकतें देखेंगे, हंसेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे मस्त अच्छे से। फिफ्थ सीजन में भी मंगोल, यहाँ पे भी मंगोल, हर जगह मंगोल, ओए होए होए मजा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।